आम आदमी पार्टी के लंबे लड़ाई के बाद आज आम आदमी के कहने वाले बब्बर सेठ संजय सिंह वापस घर लौटने वाले। हमारे साथ बात करने के लिए सोमनाथ भारती जी है, आम आदमी पार्टी के विधायक और लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं। पहले तो आम आदमी पार्टी के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो आपके संजय सिंह वापस आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए लंबा समय रहा, लगातार आम आदमी पार्टी विरोध कर रही थी, लेकिन फिर भी 6 महीने का समय जेल में बिताना पड़ा। देखिए आज जो कुछ डेवलपमेंट है वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो आज प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं वो देश को जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई कोई मनी ट्रेल मिला आपको, बोला नहीं मिला। कोई मनी रिकवरी हुई, बोला नहीं मिला। तो आप बताओ बेल अपोज करोगे का इसका जवाब सोच समझ के देना, क्योंकि इस जवाब पे फिर मैं फैसला करूंगा। कोर्ट ने कहा कि भैया उसके बाद फिर मैं पूरी केस को एट लेंथ सुनूंगा। अगर एट लेंथ सुनता कोर्ट तो हो सकता है कि केस आज ध्वस्त हो जाता हर प्रकार से। इसलिए पोस्ट लंच ईडी ने कहा कि ठीक है जी हम बेल अपोज नहीं करेंगे। इसका मतलब ईडी को मालूम था कि केस में कोई मेरिट नहीं है, केस ध्वस्त हो सकता है, इसलिए बेल अपोज नहीं किया और माननीय उच्चतम न्यायालय ने बेल दे दिया। तो इसलिए आज डेमोक्रेसी की जीत है, आज देश की जीत है, संविधान की जीत है। और जब जब भाजपा ने कुछ हम पर सोचा है कि भाई आम आदमी पार्टी ध्वस्त हो जाएगी, तब तब आज मंगलवार है तो बजरंगबली जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमारे साथ है और आम आदमी पार्टी हर ऐसे मुसीबत से उभर करके आई है जब वो सोचते हैं कि ये खत्म हो जाएगी। देखा गया था संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को जो मतलब पूजा अर्चना का भी आयोजन लगातार किया जा रहा था, कहीं वही उसी का तो परिणाम ही है। मैंने कहा ना बजरंगबली जी हमारे गुरु हैं पार्टी के, उनके आशीर्वाद से ये चीज हुआ है। एक आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, कितना प्रभाव पड़ेगा इससे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जेल में, लेकिन वापस संजय सिंह जब सदन में बोलते थे अब फिर से वापस से वो बोलेंगे तो कितना प्रभाव? इसी आधार पे सबको बाहर आएंगे जो कि सिमिलर सा सिचुएशन सबके लिए है। शुरुआत हो चुका है, बीजेपी का लोकसभा में खात्मा निश्चित है, खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। बजरंग बली जी का इंटरवेंशन आ चुका है, भगवान श्री राम का इंटरवेंशन आ चुका है, अब भाजपा के बुरे दिन आ गए, देश के अच्छे दिन आ गए। बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए सोमनाथ भारती थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा के अब बुरे दिन आ गए और आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग जेल में बंद है वो बहुत जल्द वापस आएंगे और आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में भी पूरे बहुत अच्छे तरीके से जीत हासिल करेगी। कैमरा मैन रोहित के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।